चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में मोदी और अमित शाह को दी क्लीन चिट, कहा मोदी के भाषण में कोई खामी नहीं। अब तक कांग्रेस पीएम मोदी के खिलाफ दर्ज करा चुकी है 11 शिकायतें। लोकसभा चुनाव के बीच नहीं थम रहा नेताओं की बदजुबानी का सिलसिला। अखिलेश ने पीएम मोदी को बताया चिलम पीने वाला, कहा योगी और उनके अधिकारियों ने पीएम को सिखा दिया है चिलम पीना। चक्रवाती तूफान फानी पर भी राजनीति शुरू, तृणमूल कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी ने सीएम ममता बनर्जी से नहीं राज्यपाल से ली तूफान की जानकारी। यूपी के प्रतापगढ़ में पीएम मोदी ने चुनावी रैली को किया संबोधित, मंच पर अखिलेश यादव पर गरम तो मायावती के लिए नरम रुख अपनाते दिखे पीएम, कहा अखिलेश माया की दोस्ती में नहीं है दम। और साध्वी प्रज्ञा को चुनाव आयोग ने फिर से घेरा, नोटिस भेजकर प्रज्ञा के मंदिर जाने पर भी लगाई पाबंदी। चुनाव प्रचार पर बैन के बाद साध्वी लगातार जा रही थी मंदिर। नमस्कार, ABC न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ABC न्यूज को फॉलो नहीं किया है तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर ABC न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ABC न्यूज ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निर्वाचन आयोग से 7वीं बार क्लीन चिट मिल गई है। विपक्षी दल कांग्रेस ने अब तक पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की 11 शिकायतें दर्ज कराई थी, जिसे आयोग अनसुना करता रहा, जिसके बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि आप ही कुछ करें, आयोग तो सुनता ही नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुनाया कि आखिर आयोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। कोर्ट ने चुनाव आयोग से मोदी शाह के खिलाफ दर्ज आचार संहिता उल्लंघन की सभी शिकायतों को निपटाने को कहा। इसके बाद आयोग ने शिकायतों पर नजर डाली और पिछली 7 शिकायतों में स्थानीय चुनाव प्रशासन की भेजी रिपोर्ट, विपक्ष की शिकायतों और भाषणों की वीडियो रिकॉर्डिंग वाले सबूतों के बावजूद आयोग को किसी में कोई दम नजर नहीं आया। जिला निर्वाचन अधिकारी और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट पर आयोग को प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में भी कोई खामी नहीं दिखी और प्रधानमंत्री मोदी को आयोग से 7वीं बार क्लीन चिट मिल गई है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान पर राजनीति शुरू हो गई है। तृणमूल कांग्रेस ने चक्रवात फानी के चलते जमीनी हालात की जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बजाय पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी से बात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी देश के संघीय ढांचे का सम्मान नहीं करते हैं। तृणमूल कांग्रेस महासचिव पार्थ चटर्जी ने कहा कि ये संघीय ढांचे पर हमला है और संविधान से विचलन है। राज्यपाल को फोन करके उन्होंने बीजेपी के नेता के रूप में काम किया है और देश के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, वो हमारे लोगों के जनादेश को कैसे नकार सकते हैं। ममता बनर्जी बंगाल की निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि तृणमूल के एक अन्य वरिष्ठ नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जमीनी हालात की जानकारी लेने के लिए राज्यपाल को फोन किया, इससे हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन केवल मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार के अधिकारी ही उन्हें जमीनी स्तर की असली तस्वीर दिखा सकते हैं। मशहूर पंजाबी सिंगर हंसराज हंस हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। वे बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर उत्तर पश्चिमी दिल्ली आरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हंसराज हंस ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अपने भाषण में विंग कमांडर अभिनंदन का जिक्र करते हुए कहा कि हम सोचते थे कि पहले जैसे खत खतूत होंगे और देरी हो जाएगी, ये ना हो सरबजीत जैसे उनको भी फांसी लगा दे। बहुत पापी और बेईमान मुल्क है पाकिस्तान। हंसराज हंस ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विश्व में घूमकर जो कूटनीतिक संबंध बनाए थे उससे विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान से वापस लाने में मदद मिली है। आगे उन्होंने कहा कि विदेश नीति डिप्लोमेटिक पॉलिसी हिडन पॉलिसी जो हमारे बब्बर शेर ने बनाई थी, जिसकी वजह से सारे देश अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक अरब देश ने भी पाकिस्तान को कहा ए पाकिस्तान के वजीर आजम, अब हिंदुस्तान की धरती पर बब्बर शेर का राज आ गया है जिसका नाम मोदी है, इसलिए अभिनंदन को जल्द आज़ाद कर दो, नहीं तो तेरा नाम और निशान नक्शे से मिटा देंगे। चुनावी मंचों से महागठबंधन को ठगबंधन के तौर पर प्रचारित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। यूपी के प्रतापगढ़ में पीएम मोदी ने चुनावी रैली के मंच पर अखिलेश यादव पर गरम तेवर दिखाए तो वहीं मायावती के लिए नरम रुख अपनाया।
पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए दो धुर विरोधी दल गले मिले हैं, इनकी दोस्ती में तो अब दम ही नहीं दिख रहा है। यहां पर समाजवादी पार्टी ने बहन जी को ऐसा धोखा दिया है जो उन्हें समझ में नहीं आ रहा। दरअसल यूपी में कांग्रेस महागठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, लेकिन महागठबंधन ने राहुल गांधी के समर्थन में अमेठी से अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। जाहिर है मायावती की इसमें सहमति रही होगी, लेकिन एसपी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस के प्रति इतना प्रेम मायावती के गले नहीं उतर रहा। इसी के चलते पीएम मोदी ने भी मायावती को उकसाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल सहयोगी जयंत सिन्हा अपने एक बयान के चलते सुर्खियों में आ गए हैं। झारखंड के हजारीबाग से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे जयंत सिन्हा ने हाल ही में एक चुनावी सभा में ग्लोबल आतंकी करार दिए गए मौलाना मसूद अजहर को जी कहकर संबोधित किया है। राज्य मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार रोज नई नई कीर्तिमान स्थापित कर रही है, मसूद अजहर का ग्लोबल आतंकवादी घोषित करवाने का श्रेय भी हमारी सरकार को जाता है। ये देश की सुरक्षा का बिंदु है, अभी हम लोगों ने जो काम किया है वो काफी सफल रहा है। अभी मसूद अजहर जी को यूएन ने ग्लोबल आतंकवादी घोषित कर दिया है, श्रेय भी हमारी सरकार को जाता है। ये सब काम यूपीए के समय, कांग्रेस के समय कभी हो ही नहीं पाया, क्योंकि देश की प्रतिष्ठा और सम्मान विश्व स्तर में बिल्कुल डूब चुकी थी, क्योंकि वहां सिर्फ वंशवाद का बोलबाला था। तो चुनाव आयोग ने सेना के इस्तेमाल को लेकर के लगातार आदेश दिए हैं, लेकिन अब मौलाना मसूद अजहर जी कहा है केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने, तो एक बार फिर से आतंकवादी मसूद अजहर के नाम के आगे जी लगाया है, जिसको लेकर सियासत भी अब पूरी तरह से गर्म होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जब सार्वजनिक मंचों से राजनेताओं ने मसूद अजहर या फिर किसी अन्य आतंकवादी के नाम के पहले या तो साहिब लगाया है या फिर नाम के बाद में जी का उच्चारण किया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के चुनावी प्रचार पर चुनाव आयोग ने 72 घंटे का बैन लगाया था, जिसके बाद साध्वी प्रज्ञा ने किसी किस्म का चुनाव प्रचार तो नहीं किया, लेकिन वो मंदिर दर्शन के साथ भजन कीर्तन करती नजर आई थी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने ताबड़तोड़ 6 मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन किए और आशीर्वाद भी लिया। कांग्रेस ने बैन के बावजूद साध्वी प्रज्ञा के मंदिर और गौशाला में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जाने की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी से की थी, जिसके बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। साध्वी का जवाब मिलने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजेंगे। आपको बता दें कि अब चुनाव आयोग ने एक बार फिर से साध्वी प्रज्ञा को नोटिस भेजा है, जिसमें उनके मंदिर जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि वो लगातार चुनावी बैन के बाद मंदिरों में जाकर भजन कीर्तन करती हुई नजर आ रही थी। पश्चिम बंगाल के चंद्रकोण में सीएम ममता बनर्जी के काफिले के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, जिस पर ममता बनर्जी का गुस्सा उमड़ पड़ा। दरअसल चंद्रकोण में ममता बनर्जी एक रैली में जा रही थी, इसी दौरान जय श्री राम का नारा लगा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को देखकर ममता ने अपना काफिला रोक दिया और कार से उतर गई। ममता बनर्जी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गाली देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पुरुषों को गलत व्यवहार करने के लिए भेजकर उनकी छवि खराब कर रही है। ममता को देखकर कुछ बीजेपी कार्यकर्ता वहां से भागने लगे, तभी ममता ने कहा जो लोग इस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं उन्हें 23 मई को चुनाव के नतीजे आने के बाद अंजाम भुगतना पड़ेगा। ममता ने चेतावनी देते हुए कहा कि चुनाव के बाद भी उन्हें यहीं रहना है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी को लेकर की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी का सख्त अंदाज में जवाब दिया है। राहुल ने ट्वीट कर लिखा है कि आपके कर्म आपका इंतजार कर रहे हैं और मेरे पिता को बीच में खींचने पर भी आप नहीं बच पाओगे। जबकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा पीएम मोदी ने बेलगाम सनक में एक नेक इंसान की शहादत का निरादर किया है। वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा कि शहीदों के नाम पर वोट मांगकर उनकी शहादत को अपमानित करने वाले प्रधानमंत्री ने कल अपनी बेलगाम सनक में एक नेक और पाक इंसान की शहादत का निरादर किया। जवाब अमेठी की जनता देगी, जिनके लिए राजीव गांधी ने अपनी जान दे दी। हाँ मोदी जी, ये देश धोखेबाजी को कभी माफ नहीं करता। बता दें कि एक रैली में नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर राफेल डील को लेकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए पूर्व पीएम राजीव गांधी के बहाने राहुल गांधी की आलोचना की थी। पीएम मोदी ने राजीव गांधी पर तंज कसते हुए कहा था कि मिस्टर क्लीन का जीवनकाल भ्रष्टाचारी नंबर वन के रूप में समाप्त हुआ था। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए सारे चुनावी दल हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 7 चरणों में वोटिंग होनी थी,
जिसमें से चौथे चरण की वोटिंग के बाद अब तीन चरणों का मतदान बाकी है। बता दें कि पांचवें चरण के चुनाव 6 मई को होने हैं। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा भाई राहुल की जीत के लिए अमेठी स्थित हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हजरत मीर इमामुद्दीन दरगाह पहुंचे, जहां प्रियंका ने दोपहर बाद बस स्टेशन चौराहे से लगभग 2 किलोमीटर रोड शो करते हुए दरगाह पर मत्था भी टेका, भाई राहुल गांधी की जीत के लिए चादर चढ़ाई और दुआएं मांगी। इस मौके पर हाजी इशरत हुसैन, मोहम्मद शान, अनीस अहमद, मोहम्मद नफीस मौजूद रहे। तो चुनाव जीतने के लिए राजनेता हर तिकड़म अपना रहे हैं। कोई मंदिरों में जा रहा है, कोई चुनाव प्रचार में बैन लगने के बाद मंदिरों में भजन कीर्तन करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं प्रियंका गांधी मजार में मत्था टेकते हुए नजर आई। दरगाह में उन्होंने मत्था टेका है और भाई राहुल गांधी की जीत की दुआ मांगी है। अब उनकी दुआओं का कितना असर होगा, ये तो चुनाव परिणाम सामने आने के बाद ही पता चल सकेगा। सीताराम येचुरी के हिंसक हिंदू वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। इतना ही नहीं, देशभर के साधु संत येचुरी के बयान के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी हरिद्वार SSP को लिखित तहरीर देकर इसे राष्ट्रीय अपमान करार दिया है। बता दें कि सीताराम येचुरी ने कहा था कि रामायण और महाभारत हिंसक घटनाओं से भरे पड़े हैं। बाबा रामदेव ने सीताराम येचुरी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वे ईसाई, इस्लाम और कम्युनिस्टों के खिलाफ ऐसी बात कहकर दिखाएं। साथ ही बाबा रामदेव ने येचुरी को नाम बदलकर बाबर या तैमूर रखने की नसीहत दी है। पहले तो सीताराम येचुरी जी को पूरे हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने मात्र रामायण और महाभारत दो ग्रंथों का ही अपमान नहीं किया है, उन्होंने हमारी 1,96,08,53,120 वर्ष पुरानी वैदिक संस्कृति, वैदिक सिविलाइजेशन, कल्चर, नेचर, भारत की संस्कृति और स्वभाव का, भारत की मूल अध्यात्म परंपरा का उन्होंने अनादर। तो खबरों में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो नजर डालेंगे कुछ और अहम खबरों पर। जीएसटी रिफॉर्म से लेकर कैशलेस इकोनॉमी तक, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से लेकर अर्थव्यवस्था की बदलती चाल तक, बिजनेस से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर मिलेगी आपको यहाँ स्टॉक एक्सचेंज, सिर्फ AV Star न्यूज पर। टेक्नोलॉजी में किसकी रफ्तार के धुएं में है बात? मोबाइल वर्ल्ड में कौन जमा रहा है धाक? हम रखेंगे पूरा चेक ट्रेंडिंग स्टॉक, अनबॉक्सिंग से लेकर ऑटो पर रहेगा हमारा पूरा अपडेट सिर्फ AV Star न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे प्रचार तेज हो रहा है। नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी मीनाक्षी लेखी ने मोती नगर में नुक्कड़ सभा में भाग लिया और केजरीवाल पर हमले को लेकर कहा कि चुनाव के वक्त ही उन पर हमले क्यों होते हैं, उन्होंने काम किया नहीं है, लोग नाराज हैं। आपको बता दें कि मीनाक्षी लेखी मोतीनगर में आयोजित नुक्कड़ सभा में पहुंची, वहां काफी संख्या में महिलाएं शामिल थे। रामनगर के पीरूमदारा में विवाहित महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए शव को कब्जे में ले लिया है और घटना की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि पीरूमदारा क्षेत्र के कीर्ति कुंज गली नंबर 2 में रहने वाले संदीप रावत की पत्नी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस को घर के अंदर मिला है। आज सुबह करीब 5 बजे
एक महिला प्रभाविष्ट द्वारा चौकी फिरूमीदार पर सूचना दी गई कि पड़ोस में रहने वाली उसकी देवरानी का घर का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। मौके पर पुलिस गई, देखा तो महिला का शव घर के ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ था, पर उसके साथ रहता तो फरार है। प्रथम दृष्टया महिला की हत्या की आशंका है। प्रथम दृष्टया हत्या प्रतीत हो रही है। महिला का जो पति उसके साथ रहता था वो फरार है। मोतिहारी के रघुनाथपुर गांव में बिजली ना होने के कारण लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। ग्रामीण महिलाओं ने हाथों में लालटेन लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर 12 मई से पहले उनके घरों तक बिजली नहीं पहुंचती तो वे मतदान के दिन भी प्रदर्शन करेंगे। हम कह रहे हैं जब तक ले बिजली का सप्लाई नहीं होगा तो रघुनाथपुर के बूथ पर वोट एक भी नहीं देने जाएंगे हम लोग। वोट का पहले तक ले इसको सप्लाई देना है, लाइन का तो नहीं देंगे हम लोग। बिजली का तो 70-72 साल हो गया, कितना पोल हॉल गया, गिर गया, क्या हो गया, अभी तक बिजली नहीं आई। नहीं, बहुत सारा मांग गया है। और नेता लोग आते हैं कि नहीं? कोई नहीं। तो साफ है, नेता चुनावी वादे तो करते हैं लेकिन उन पर जब अमली जामा नहीं पहुंचा पाते तो उसके बाद लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाते हैं। खबरों में बढ़ेंगे आगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वाहनों की जांच कर रही एसएसटी टीम के साथ चिमरानी फांटे के पास एक उम्मीदवार के समर्थकों ने अभद्रता की, जिसके बाद जाँच कर रही टीम ने वाहन को जब्त कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक एसडीएम दीपांशु सांगवान, सीओ सुभाष चंद की मौजूदगी में टीम वाहनों का जाँच कर रही थी। इसी दौरान जब जांच टीम ने दो वाहनों को रुकवाया तो गाड़ियों में सवार युवकों ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अभद्रता की, जिसके बाद जांच टीम ने एक वाहन को जब्त कर लिया जबकि दूसरी गाड़ी को वाहन चालक भगा कर ले गए। पीछे से आ रहे एनडीए उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल और भोपालगढ़ से रालोपा विधायक पुखराज गर्ग भी मौके पर रुके और मामले की जानकारी ली। पुलिस जब्त वाहन को अपने साथ थाने ले गई है। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां एटीएस ने असलहा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को 5 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। मामला अलीनगर थाना इलाके के चकिया चौराहे का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर एटीएस ने अलीनगर पुलिस के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपी बिहार के मुंगेर का रहने वाला है, जो अवैध हथियार को दिल्ली ले जा रहा था, लेकिन इसी दौरान एटीएस और अलीनगर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। फिलहाल पुलिस आरोपी तस्कर से पूछताछ कर रही है। कल रात 8 बजे चकिया चौराहे पर एटीएस टीम को सूचना मिली कि एक सातिर किस्म का दानिश नाम का युवक, जो कि मुंगेर का रहने वाला है, असलहों की तस्करी के बारे में किसी अपने आदमी से संपर्क कर रहा है। तो एटीएस टीम के साथ ने तुरंत जो है एटीएस टीम ने तुरंत एसएचओ अलीनगर को संपर्क साधा और पुलिस अधीक्षक महोदय को जानकारी देते हुए पूरी टीम ने मिल करके एटीएस और अलीनगर पुलिस ने इसको वहाँ चक्की चौराहे पे धर दबोचा। इसके 5 से 4 पिस्टल और एक रिवाल्वर की बरामदगी हुई है, जिस खेप को लेकर के ये यहाँ के बाद सीधे दिल्ली जाता। चमोली में अतिक्रमण पर प्रशासन का डंडा चला है। दरअसल चमोली जिलाधिकारी के आदेश के बाद से ही अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बता दें कि जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने 22 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम का दौरा किया था। इसी दौरान स्वाति भदौरिया ने अतिक्रमण को लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी और मामले में कार्रवाई का आदेश दिया था, जिसके बाद अब अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। मौके पर जोशीमठ एसडीएम वैभव कुमार गुप्ता मौजूद रहे। संयुक्त अभियान चलाया गया, इसमें राजस्व विभाग, पुलिस, नगर पंचायत और अन्य विभागों की टीम द्वारा कल एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें अवैध अतिक्रमण करीब 20 जो कच्चे टेंट लगा के, जो फड़ लगा के जो अतिक्रमण किए हुए थे, इस तरह की 20 दुकानों को ध्वस्त किया गया है। इसके अलावा जो भीम पुल से आगे भी करीब 3-4 इस तरह के नए स्ट्रक्चर बने हुए थे, जो सीमेंट लगा के लेंट डाल के अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे बेनाप भूमि पर, उनको भी तोड़ के ध्वस्त कर दिया गया है और अब हमारा जो बद्रीनाथ क्षेत्र है पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त हो गया है। गर्मियां शुरू होते ही राजधानी दिल्ली में भी पानी की परेशानी शुरू हो चुकी है। सेंट्रल दिल्ली के पटेल नगर, बलजीत नगर, नेहरू नगर और आनंद पर्वत जैसे इलाकों में पानी की किल्लत के कारण लोग दिन रात टैंकर का इंतजार करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
दो गैलन पानी मिलते है तो बेटा यहाँ पवन क्या करे, बेटा तो गाय के दिए ना जो हमें पानी की सुविधा करे वो। पानी की काफी बड़ी समस्या है यहाँ पे। हाँ, बहुत ज्यादा समस्या। तो दिल्ली सरकार तो कहती पानी फ्री दिया जा रहा है लोगों के घरों तक, कोई सुविधा नहीं। एबीसी न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एबीसी न्यूज को फॉलो नहीं किया है तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर एबीसी न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एबीसी न्यूज ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं।